नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओरिएंट कनेक्ट एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, साथ ही में उसके बारे में कुछ जानकारी भी देंगे। ठीक है, तो यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा बहुत जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने से आपको ये फायदा होगा कि आपके मन में कोई भी जो क्वेश्चन आएगा वो उसके सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मिल सकते हैं आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन पर जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको प्ले स्टोर या लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है इसका। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया है और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ओरिएंट कनेक्ट, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्सटेटिंग मेंबर लॉगिन। यदि आप इसमें पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और जो न्यू मेंबर साइनअप पर क्लिक करेंगे, यानी जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यू मेंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, न्यू मेंबर साइनअप पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ए यूजर रोल। ठीक है, आपको यहाँ पर ये चुनना है आप रिटेलर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या होलसेलर हो। ठीक है, आप जो भी हो यहाँ से चुन सकते हो। तो मैं यहाँ पे होलसेलर रिटेलर इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इनके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, किस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल्स ए टू जेड दी गई है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दे देना अपना फ़ोटो। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और गैलरी पर क्लिक करके फ़ोटो चुन लेता हूँ। आप चाहे कैमरे से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो दे दिया। उसके बाद देना है यहाँ पर आपको नाम। ठीक है, अपना नाम दे देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको मिलता है अगला नाम के बाद जेंडर का। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जेंडर चूज़ कर लेंगे। मेन मेल पर क्लिक कर दिया। अगले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चुन लेना है, मैं मिस्टर कर दूँगा। ठीक है, और अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर। ठीक, यहाँ पे आपको वो वाला मोबाइल नंबर फिल करना है जो पेटीएम में लिंक है। ठीक है, जिसके साथ पेटीएम अकाउंट जुड़ा है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, क्योंकि पेमेंट जो आएगी आपकी डायरेक्ट पेटीएम में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ पेटीएम वाला। पेटीएम वाला मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर सकते, एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर चाहें तो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपको देना है यहाँ पे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप चाहे तो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी। उसके बाद आना है आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और फार्म नेम देना है आपके। यहाँ पर आपको अपनी दुकान का नाम दे देना है। ठीक है, फार्म नेम दे देना और उसके बाद आपको बिजनेस फार्म बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, होलसेलर हो आप रिटेलर हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिटेलर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फार्म एड्रेस आपको एड्रेस दे देना है यहाँ पे आपको फार्म का एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद आपको स्टेट पर क्लिक करना है, स्टेट चुन लेना है यहाँ से आपको। मैं यहाँ से स्टेट चुन लेता हूँ। ठीक है, स्टेट पर क्लिक करने के बाद आप बोला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर सिटी। सिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी सिटी चुन लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिटी पर क्लिक कर दिया और फिर अगला ऑप्शन मिलता है आपको पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद यदि आप अपना घर का जो होम एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस है उसको और होम का दुकान आपका या फार्म का एड्रेस है उसको सेम करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यदि रहने दें तो आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस। तो आप क्लिक करके दे सकते हैं आप सिंगल है मैरिड है। ठीक है, तो मैं सिंगल पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मिलता है आपको अगला ऑप्शन। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड मैं बता देता हूँ आपको कैसे फिल करना है। पासवर्ड जो है आपको 6 अक्षर से ज़्यादा और 10 से कम होना चाहिए। इसके बीच में आप चाहें कितने भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप डिजिट दे सकते हैं या अल्फाबेट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 से ज़्यादा और 10 से कम अक्षर फिल कर देता हूँ पासवर्ड में। ठीक है, और री एंटर में भी वही पासवर्ड फिल कर देंगे जो हमने अभी ऊपर किया है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शॉप पिक विजिटिंग लेटर हीट बिल कॉपी। तो यहाँ पे आपको अपनी शॉप का फोटो खींच के अपलोड कर देना है। ठीक है,
आप यहाँ पे विजिटिंग कार्ड का भी फोटो लगा सकते हैं, लेटर हेड का भी और बिल कॉपी की, ठीक है, इनमें से आप किसी को भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अगला, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे इसे अपलोड कर देना है, ठीक है। और पैन कार्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है पैन कार्ड नंबर, और यहाँ से फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको ज़रूरी फिल करनी है, ठीक है। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि केवाईसी के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सब फिल कर देंगे तो आपकी केवाईसी जो आराम से हो जाएगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उनको आप अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अब प्रोडक्ट डील अगला ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना, जैसे इनके प्रोडक्ट डील सीन है, ठीक है, तो आपको इनका सिलेक्ट कर लेना है क्या क्या है। अप्लायंस है, लाइटिंग है, स्विच केयर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहें तो एक दो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको राइट साइड में ऊपर राइट का निशान लग रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया था, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर वही वाला फिल कर देना है जो आपने पेटीएम के लिए रजिस्टर में दिया था, ठीक है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और जो पासवर्ड हमने दिया था वो यहाँ पे फिल कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिल कर दिया, मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। स्किप लिखा है, इस पर हम क्लिक करके इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो नया इंटरफेस दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें माय प्रोफाइल, अबाउट, व्हाट इज न्यू और माय रिवार्ड स्टेटमेंट मिल जाते हैं, और स्कैन का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो स्कैन करते हैं वो भी यहाँ पे टोटल में दिख जाते हैं, टोटल पॉइंट्स दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके टोटल 500 पॉइंट्स होते हैं वो रिडीम होकर आपके पेटीएम वॉलेट में या पेटीएम अकाउंट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो रिडीम होकर आपके पेटीएम वॉलेट में चले जाते हैं। आपको पॉइंट्स 500 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का कूपन होता है और उसको किस तरीके से स्कैन करते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ इस तरह का कूपन होता है, ठीक है। इसको हम स्कैन करते हैं, स्कैन का ऑप्शन भी हमको मिल जाता है, वहीं पर हम इसको स्कैन करते हैं। यदि आपका कैमरा ख़राब हो किसी वजह से तो स्कैन ना हो, तो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ नंबर को हम कहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको स्कैन स्टोरी की ऑप्शन मिलता है, जितने भी कार्ड हम स्कैन करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं, और उसी के पास में आपको स्कैन QR कोड का ऑप्शन मिलता है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, ये कैमरा दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप वो उस कार्ड को स्कैन कर सकते हैं। यदि कार्ड को स्कैन नहीं करना चाहते तो एंटर QR कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, वो नंबर मैंने बताए थे वो यहाँ पे आप टाइप करके इस आगे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कार्ड इस तरीके से भी स्कैन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।